हम आपके सामने ये मसला रखना चाहते हैं कि जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से ईदगाह में नमाज का कोई इम्कान नजर नहीं आता, अलबत्ता पंज वक्ता नमाजों के लिए और नमाज तरावी के लिए हुकूमत ने ये इजाजत दी थी कि हम में से कुछ लोग यानी 5 लोग लगभग मस्जिदों के अंदर रह सकते हैं, वो इबादत कर सकते हैं। हम ये बात कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को मस्जिदों में रहने की इजाजत मिली है या जमात ने तय करके जिन लोगों को मस्जिद में रहने के लिए कहा है, उन लोगों को मस्जिदों के अंदर ही सही, मस्जिदों के अंदर ही सही नमाज का और खुतबे का मुकम्मल वैसे ही एहतमाम करना चाहिए जैसे आम दिनों के अंदर ईदगाहों के अंदर हम और आप एहतमाम करते हैं, ताकि इस्लामी शायर का मुजाहरा जहां तक हमसे हो सके हम करें। इस सिलसिले में यह भी ना हो कि एक तरफ कुछ लोग कोशिश करें कि नहीं मस्जिद में ज्यादा तादाद इकट्ठा हो जाए, ऐसी भी कोशिश ना करें जो नए मसाइल पैदा करने का सबब बने, और यह भी नहीं होना चाहिए कि लोग इम्कान रखते हुए भी ईद की नमाज का, खुतबे का और हस्बे मामूल ईद का जैसा एहतमाम मस्जिद में हो सकता था वो करने से भी बाज आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये रही ये बात कि इनके अलावा मस्जिदों के अलावा जो लोग अपने अपने घरों पे पढ़ते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही बुखारी के अंदर ये बाब बांधा है, यानी ये फतवा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने दिया है, अहादीस और आसार की रोशनी में खुलासा ये पेश फरमाया कि बाब इदा फातहुल ईद, कि बाब इस मसले के बयान में कि जब किसी आदमी की ईद की नमाज छूट जाए, जैसे मस्जिदों में नमाज हो रही है जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, और हम वहां नमाज नहीं पढ़ पा रहे या उसके साथ शामिल नहीं हो पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। का युसल्ली रकअतैन, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। व कदालिक निसा, ऐसे ही औरतें भी। व मन काना फिल बुयूत, जो घरों में रह जाए माजूर होने की वजह से। व अहले अल-कुरा, जो करियों में रहते हैं जहां ईद की नमाज कायम नहीं की जाती, करिए में ना अगर ईद की नमाज नहीं हो रही है, आदमी एक घर दो घर कहीं है ईद की नमाज नहीं हो रही, इनको भी अपने घर के अंदर 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। लिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा ईदुना अहले इस्लाम, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ये हम अहले इस्लाम की ईद है। इसके मुताबिक हमें अपने अपने घरों में 2 रकात नमाज, ईद की नमाज, ईद की नमाज के तरीके के मुताबिक पढ़ लेनी चाहिए, सिवाय उन औरतों के जो माहाना मजबूरी में, जो माहवारी में हैं, उनकी अपनी मजबूरी में हैं, वो जैसे मैंने कहा बाकी सारी चीजों का एहतमाम करेंगे, अलबत्ता जब घर में नमाज हो रही हो तो वह नमाज उनके साथ नहीं पढ़ेंगी। बाकी सारे मामलात में वो घर वालों के साथ खुशी में, दीगर सुन्नतों में, तकबीर में, तस्बीह में, जो हो जो कुछ दूसरे ईद से मुतालिक मामलात हैं उनके अंदर घर वालों के साथ बराबर शरीक रहेंगे। नमाज ईद का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे बाजमात नमाज आप अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं वैसे ही आप बाजमात नमाज पढ़िए, लेकिन तरीका यह कि 2 रकात नमाज आप पढ़ें, आप 2 रकात नमाज पढ़ें और 2 रकात नमाज इस तरह के तकबीर तहरीमा के 12 जायद तकबीरात के साथ पढ़ें, 12 जायद तकबीरात के साथ। पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद 7 जायद तकबीरात कहेंगे और फिर उसके बाद में आप सूरह फातिहा और कोई एक सूरत जम्मे सूरा करने के बाद आप पहली रकात मुकम्मल करेंगे। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो फिर 5 तकबीरात आप कहेंगे और तकबीरात 5 मुकम्मल होने के बाद फिर सूरह फातिहा और उसके साथ कोई एक सूरत मिला लेंगे जिसको जम्मे सूरा कहते हैं, सूरत जम करना मिला लेना, सूरत मिलाकर पढ़ने के बाद दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। इस तरह आप अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। नमाज इसी तरीके पर पढ़ी जानी चाहिए। इसकी दलील हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से बाज़ अहले इल्म ने दी है कि उनकी नमाज जाविया, मिस्र के बाहर शहर से बाहर एक करिए में वो थे, वहां उनके उनको नमाज वो ईदगाह तक पहुंचकर नमाज ना पढ़ सके तो उन्होंने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि घर वालों को नमाज वैसे ही पढ़ाए जैसे मिस्र में इमाम ने नमाज पढ़ाई है। तो इसी तरीके से नमाज जो है पढ़नी चाहिए। हम और आपको चाहिए कि अपने घरों में हम इसी तरीके से नमाज पढ़ें। नमाज के बाद हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप लोगों के अंदर सदका तो खैरात करने का एहतमाम करें।
لوگوں کے اندر صدقات و خیرات کرنے کا اہتمام کریں. اور نماز سے متعلق یہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں, بہت سارے لوگ اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قسم کے مسائل بیان کر رہے ہیں عوام الناس میں. ایک طرف اہل علم کے درمیان اس ان مسائل کی تفصیلات میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اس عید کے موقع پر نماز کیسی ہونی چاہیے, کس حکم پہ عمل ہونا چاہیے, کس پہ نہیں. میں اس مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس سلسلے میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو رائے تھی, جو ترجیح تھی, وہ آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو عوام الناس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. لوگ اپنی طرف سے, کوئی کہہ رہا ہے اس سال ہم عید ہی نہیں منائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ اب کی بار عید منائیں گے, لیکن ایسے کہ ہم جو ہے کہیں اپنے طرف سے گروپ اکٹھا کر لیں گے کمیونٹی لیول پر یا سوسائٹیاں جو بنی ہو سوسائٹیوں کے اندر, ایسے ہم اہتمام کریں گے. یاد رکھیں کہ آپ جہاں تک ہو سکے, اگر امکان نکلتا ہے تو اجتماع کا امکان آپ کے پاس شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی گنجائش ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جیسی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس کی روشنی میں نماز عید کو انجام دینے کی کوشش کریں.